हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है लाइक मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। तो ऐसा है ना, आज मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ हॉस्टल से थोड़ी दूर पे, एक स्टैंड है यहाँ पे। लाइक यहाँ से ना आप दूसरे रीजन में जाना चाहते हो, दूसरे विलेज वगैरह में जाना चाहते हो, तो आपको मिनी बस और कार मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मैं किसी को छोड़ने आया हूँ, देखो पीछे सेंट्रालनी के पास ही है। यहाँ पर मैं किसी को छोड़ने आया हूँ, जिसको छोड़ने आया वो अभी तक पहुँचा ही नहीं है, और मैं उसको पहले ही छोड़ने आ गया। आपको मिलवाता हूँ कौन है वो छोड़ने वाला, वो हमेशा लेट होता है मेरे ब्लॉग में, आप पहले भी उसको देख चुके होंगे। मिलवाता हूँ अभी। तौफीक, देखो भाई ये मुझे ढूंढते ढूंढते मैं खड़ा हूँ, इसका वेट कर रहा है, मुझे ढूंढते ढूंढते आ गया हमेशा की तरह लेट। भाई मैं किधर खड़ा था पता है, उधर से आया तुम वहीं पे खड़ा था, तुम मुझे देखे नहीं। मैं देख रहा तुम मुझे देखते हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? किसको देख रहे हो? वो लड़की बैठी, मुझे लगा जावेद बेटा। कौन लड़की? अरे लड़की में दिखने लगा यार, हद। कपड़े कुछ ऐसे ही पहनी थी कपड़े भी ऐसे पहनी थी। कल से तुम मुझे ग्रीन ग्रीन बोल रहे हो भाई। देखो ग्रीन पहन के इसलिए आया था, टैक्सी वाला मैं लेट आया। ये बंदा अभी इधर अकेला हमें छोड़ के अकेला घूमने जा रहा भाई। ये रूम में पकड़े से तो अच्छा ही घूम लो भाई, पढ़ाई हो रही है। अरे चलो घूम के आओ, हम भी निकलेंगे बाद में रूम से बाहर। बस रूम से बाहर नया चले जाएंगे नदी में। बस टैक्सी ढूंढते हैं गाइस, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, भाईजान को छोड़ने के बाद। दिन भर वही तो मैं बोल रहा था यार, आजकल शायद मैं डेली व्लॉगिंग करने लगा हूँ दो तीन दिनों से। पैसा नहीं है गाइस, तो अभी का कुछ ऐसा प्लान हुआ है जो हम लोग जा रहे हैं घूमने। गर्मी ज़्यादा थी फिर ठंड बढ़ रही है, तो इन भाई साहब का प्लान था, यही है हमारे नेता तो मोदी। हमारे जाने की इच्छा नहीं क्या? इच्छा तो है यार, बट बताओ। धूप में कूदेंगे तालाब में, तालाब तालाब है वो, यहाँ का तालाब ही है। पानी वानी कैसा है? देखिए पानी पानी शानदार है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कल चौका या छक्का मार दी, इसलिए लोगों मरे नहीं जाना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है भाई, चलेंगे अपन वहाँ पे चलेंगे। वहाँ की कुछ स्पेसिफिकेशन बताओ क्या है वहाँ। स्पेसिफिकेशन क्या है कि वहाँ का बीच जो है बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे कि हम लोग इंडिया में वाटर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं वाटर पार्क, बट वहाँ का ऐसा कि है वो नेचुरल वाटर पार्क है। नेचुरल मतलब मेन यही है, नेचुरल मेन यही है। स्लाइड से आएंगे और कूद जाएंगे सीधा। तो गाइज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बने रहो इस व्लॉग में। आगे का सीन मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए इतना ही। चल देख रहे हो गाइज, ये देखो ये सारे सेकेंड ईयर के बंदे हैं। जब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पास हो गए ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में इनका फिर से सितंबर में सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी जब ये लोग आए थे ना, तो मैं इनको देखा था, मिला था, स्टार्टिंग में बहुत डरे हुए थे, अभी देखो हीरो बन गए। कैसा भाई यहाँ पे तुम्हें कैसा लग रहा है? आकाश बताओ इधर कहाँ तुम घूम रहे? थर्ड में पहुंच गए, सेकंड ईयर में। थर्ड मतलब थर्ड में तुम पहुंच गए, हाँ बताओ कैसा फीलिंग है यहाँ पे? शर्मा गया। अच्छा चलो आपको हर्ष बताएगा, हर्ष कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है, उफाई तो वेरी गुड कंट्री है, उफाई वेरी सीट। थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, बट ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छी है। हर्ष के बारे में बताऊंगा, कैमरा इधर लाओ। हर्ष के बारे क्यों भाई? हर्ष जब आया था, जब ये नया नया आया था यहाँ पे, तो ये सुबह शाम हमें मैसेज करता था, कॉल करता था, भैया ये करना है, वो करना है, ये कैसे होगा, सब कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में उसने मतलब काफ़ी हम आरे टच में रहा। हाँ। लेकिन अभी कुछ महीनों से देख रहे हैं हीरो हो गया, हीरो हो गया है। क्यों हीरो हो गया है ये तो पूछो। हाँ क्यों हुआ? क्योंकि इसको हीरोइन मिल गई है। हीरोइन मिल गई है। अब उस हीरोइन के चक्कर में इसको कट कर दूं क्या? नहीं नहीं हीरोइन वाले पार्ट को नहीं नहीं चले तो चले, कहीं गलती से हर्ष के पापा के पास पहुंच गए। बता रखा है। तो मतलब हीरोइन के साथ पढ़ाई भी चल रही है, अच्छी बात है यार। पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन भैया लोगों को अपने भूल गया है। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई, इसी को देख लो। फोर्थ ईयर में पहुंचा दिया, मगर फिर भी कुछ इज्जत नहीं है हमारी इनके सामने। फेस छुपा रहे भाई साहब। अरे हटा लो, इज्जत दिल में है, पता है इज्जत दिल में। दिल किधर है?
ये इतनी दिल नहीं है बॉडी में, इधर ये इतनी इज्जत करते हैं ना भाई साहब, इतनी दिल में इज्जत इनके भरी हुई है बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हाँ थोड़ा सचिन की तरफ घुमाओ। ये सचिन बताओ यार कुछ तुम लोग कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। और समर वेकेशन में एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल में एग्जाम कैसा था फर्स्ट ईयर का? बढ़िया था, चिल था सब। इजली पास हो गए? पढ़ाई किया तब पास हुए। ओवरऑल तुम्हारा कैसा, मतलब क्या सोचते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में? बस की स्टेट मेडिकल क्लिनिकल एक्सपोजर, तुमको क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे कैसा? यहाँ बहुत अच्छा है। तो गाइस आज आपको हम बहुत ही एक यूनिक बंदे से मिलवाने वाले आप लोगों को। अरे ये पहले से कट कर देना। अरे पहले अब बाकी आप दोस्त सब तब इनकी जुबानी सुनिए। अरे कुछ बताइए बच्चों को जो नए बच्चे आ रहे हैं। बात के नए बच्चे आ रहे हैं, चिल करें, मस्त रहें, बाकी सीनियर से अपने बातचीत करके जगह पूछते रहे, घूमते रहे, और बाकी चीजें तो बहुत तेज सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीख गए ये लोग क्या? चलो बढ़िया, सीखना चाहिए जिंदगी में जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है भाई लोग। तो आप लोग भी ज्यादा ना सोचो मत, नीट नहीं निकला एब्रॉड आओ, पढ़ाई करो, मेडिकल करो, एंजॉय करो, हाँ पैसे वैसे कमाओ, फैमिली को संभालो, सपोर्ट करो। चलो फिर आज का ये व्लॉग ज्यादा ही कुछ मतलब अबाउट पढ़ाई वढ़ाई, तो अभी चिल करते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ लुक मौर्य जो जगह जा रहा हूँ, मिलते बाद। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं, ये है देखो नेचुरल तालाब, नेचुरल वाटर पार्क है भाई, तालाब नहीं है। मतलब वही वाटर पार्क है नेचुरल। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है गाइस, हम आपको ब्लॉग में दिखाते हैं आगे, ठीक है? तो गाइस पहुंच चुके हैं प्रिवियत प्रिवियत, बच्चे ना आ रहे हैं गाइस। तो हमेशा की तरह हम साइड एरिया ढूंढ के आए हैं, पूरा आपको बीच मैंने दिखाया नहीं। अभी चेंजिंग वेंजिंग चल रही है और सब प्लान कर रहे हैं यहाँ से कूदने का। देखो यहाँ से सब जाएंगे, स्लाइड करेंगे। जाओ भाई कूदो, जा रहे हैं। यहीं से कूदोगे क्या? ये अभी छोटू कुछ तूफानी करने वाला है, जंप कर दिया, इधर गिरा भाई। बहुत ज्यादा तूफानी कर रहे हैं ये लोग, मैं तो नहीं करता भाई, मुझे तैरना नहीं आता इसलिए मैं नहीं जा रहा। मुंह पे जल रहा है, ऐसे आँच आ रही है क्या सोना में? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा यहाँ बहुत हार्ड आ रहा है, ऐसा मजा यहाँ पे आया नहीं कभी। सही पहले में? भी आया था बट तब मजा नहीं आया, आज ज्यादा आ रहा है। सही है। अरे तो क्या दिखा रहा, तो छाती थोड़ा पीछे जाके बोल दे मेरे भाई, इतना मजा। ओए होए शर्मा गई काप। गाइस अभी जा रहा अभिषेक, ये भी तूफानी करना चाहता। जाओ अभिषेक, रेस्क्यू टीम भाई, डर रहा है ये, डर रहा। उस वाले पे गया, ब्लू वाले पे, वहां से जंप करेगा। तो फोटो बना दो भाई साहब, अभी से गिरा गंदा, पैर ऊपर मुंह नीचे। देखो भाई ये लोग क्या खाने का जुगाड़ लाए बीच पे, ये क्या है भाई, ये कौन सा जुगाड़ है? बीच जुगाड़ है, बस नमक है, नमक डालो बहुत कुछ। अभी चिप्स के साथ खाइए इसको, ब्रेड में लगाते हैं, रुकिए सैंडविच बनाते हैं इसका। क्या खा रहे हो भाई? सब खाना वाना खा रहे हैं भाई। ये देखो ये केला खा रहा, केला लाओ लो, मैं सिर्फ अंडा खाऊंगा, अंडा नहीं, ब्रेड के साथ खाइए। गाइस यहाँ पे आके आप लाइक सीट बुक कर सकते हो, उसके बाद बैठ सकते हो, और देखो सांसलिक भी कर सकते हो इस साइड, यहाँ पे सांसलिक भी कर सकते हो, और यहाँ पे बाकी आगे भी छोटे छोटे जगह है जहाँ पे सांसलिक कर सकते हो। और इसका जो भी एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से सर्च कर लेना आप, देख लेना। और यहाँ पे एंट्री फीस होती है 400 रूबल्स,
तो आप अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग थोड़े दूसरे साइड में आ गए। बाकी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया है, तो वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हो। वो भी मैं लौटते टाइम आप लोगों को दिखा दूँगा। गाइस ये था आज का वीडियो। अभी मैं ऑफकोर्स आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे दिखा नहीं पाया, बहुत बड़ा है ये एरिया, तो कहाँ कहाँ पे आप रुक सकते हो, लाइक स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, काफ़ी फ्रेंडली है, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल भी है, बात करते हैं, पूछते हैं लाइक आप कहाँ से आए हो, इंडिया से, कौन से स्टेट से हो, कौन से सिटी से हो, तो काफ़ी फ्रेंडली लोग भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। रशिया, एक्चुअली रशिया से जो हमारा इंडिया का रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है, दैट्स वाई यहाँ पे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप यहीं दूसरी कंट्रीज में रहते हो तो वहाँ पे आपको मे भी परेशानी झेलनी पड़ी, बट रशिया में कोई परेशानी नहीं होती इंडियंस को मेनली, क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है रशिया के साथ इंडिया का। गाइस इट्स पैकिंग टाइम, अभी हो गया हम लोगों का सब कुछ मज़े करके। मैं तो ज़्यादा मज़े नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे तैरना नहीं आता, बट इन लोगों ने बहुत मज़े किए। अभी सब रेडी हो गया वापस घर जाने के लिए। जो भी मैंने बनाया वीडियो, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आया या नहीं, उतना अच्छा बनाया नहीं, बट अभी उफा में ऐसे ऐसे जगह इंजॉय करने के लिए तो हम लोग आते हैं कभी, लाइक बहुत ज़्यादा अगर लोड होता है पढ़ाई का एंड ऑल, तो यहीं पर आ जाते हैं इंजॉय करने के लिए। संडेज वगैरह में भी आ सकते हो। बाकी आप लोगों को पता ही है यहाँ पर मेनली 9 मंथ ठंडी स्नो वगैरह रहती है, तो गर्मियाँ आपको 3-4 महीने ही मिलेगी, तो उसमें आप ऐसे ऐसी जगहों पे इन्जॉय कर सकते हो। और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ के आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना। गाइस आप लोग इसको जानते ही होंगे, सिंह अनुराग, ये हमारे 3rd ईयर में आप जाने वाले हैं भाई। बहुत अच्छा बंदा है, जेन्यून बंदा है, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना सबसे सही बंदा यही है। कुछ बोलो यार अनुराग। थैंक यू भैया, थैंक यू। आने अच्छा, चलो तुम बोलो जो आने वाले उनको लिए, उनके लिए कुछ बोलो। जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे है सब कुछ। क्या अच्छा नहीं है यहाँ हम लोग हैं, और फिर यहाँ लुकुमर आओ, घुमाओगे जो बच्चे आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लुकुमर जरूर आना। मैं सबको तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। बस बिल्कुल, चलो ठीक है भाई, लुकुमर जरूर। ये गाइज गौरव सिंह 4th ईयर में है। 4th ईयर कंप्लीट हो गया ना? नहीं, 3rd ईयर कंप्लीट, 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है। चलो ठीक है।